ईमान उसको समझाया जाए। तो असल क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं कि दावत अगर किसी को देते, किसी की इस्लाह करनी होती है तो तरीके भी हमको सीखने पड़ते हैं। अगर हम सही तरीके नहीं सीखेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, सीधा हमने तावीज़ देखा, तावीज़ देखता और हमने उसको जो सीधा बोलते ये तो शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ घंटे जिसने लटकाया, तमीमा लटकाया, शिर्क किया, तो हमने क्या डायरेक्ट उसको सीधा उसी चीज़ पर अटैक कर गए। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह असल बात तो क्या है कि अल्लाह की अजमत उसको मालूम नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह की अजमत उनको बतानी पड़ेगी कि वो अल्लाह कौन है, वो अल्लाह कौन है। तो अल्लाह कौन है जब हम उसको बताएंगे, उसको जो असमा और सिफात के बारे में बतलाएंगे कि अल्लाह कौन है, तो हम असमा और सिफात के बारे में उसको बताएंगे कि भाई वो देखो अब तूने किसके लिए लगवाया, तुमने जो यहाँ पर नक्शा लगाया है, आज देखिए हम लोग जो है दुकान के अंदर नक्शा लगाया कि भाई इससे क्या बरकत होगी, ग्राहक आएंगे। तो फिर हम उसको बताएंगे यार रज़ाक का माना क्या है, तब उसको बताएंगे अर शाफ़ी का माना क्या है कि तू बीमार है तो तूने ये कहा था, शिफा देने वाला कौन है, तब हम उसको बतलाएंगे। तो हमको क्या होता है कि इसके लिए इल्म हासिल करने की ज़रूरत होती है कि पहले तो हम अल्लाह की पाकी, हमारे यहाँ असल क्या होता है कि हम दावत क्या करते हैं, सीधे सीधे जाकर उसको उस चीज़ से सीधे जाकर रोकते हैं, जबकि हम जब तक उसको ये बताएंगे नहीं, अभी उसके सामने बड़ा कौन है, वो सिर्फ अल्लाह को कलमे के तौर पर जानता है कि बस वो अल्लाह अकेला है, उसके रसूल को जानता है, ना तो रसूल की अजमत जानता है ना अल्लाह की वो शान को जानता है, कुछ भी नहीं जानता। उसके सामने जो उनने कव्वालियों में सुना है, जो उसने जो है बयानों में सुना है कि फलां बुजुर्ग ऐसे थे, ये थे, उन्होंने ये कर दिया, वो जो है एक बार उन्होंने ये किया तो ये हो गया, फलां ने उनसे मन्नत मांगी तो उनकी ये मुराद पूरी हो गई, ये हो गया, तो अब ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें उसके सामने उसकी बयान बढ़ाई, उसके अंदर बयान की गई तो उसकी अजमत वहाँ, इसलिए उन चीज़ों को मानता है। तो वहाँ से जो चीज़ आएगी तो उसको मानेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्लाह की अजमत बयान करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको क्या करें, कुरान की आयत हम उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे, आप तफसीर पढ़ेंगे उसके, उसको जाकर समझाएंगे देखो अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। और ये जब चीज़ें उसको बताएंगे तो इंशाअल्लाह फिर वो अपनी इस्लाह करेगा। तो डायरेक्ट भी किसी को अटैक ना करे, उसको हमको समझाने की ज़रूरत होती है, देखिए भाई कोई इस चीज़ से मांग रहा है, कोई जो है वसीले से मांग रहा है, तो वसीले के ताल्लुक से उसको बताएंगे असल वसीला है क्या, आपको बेहतरीन वसीला कौन सा है, ये आपको उसको बताना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, बदल भी बताना होता है। एक एक गलती हमसे कहाँ होती है, हम क्या करते हैं उतार के फेंको, गलत काट के फेंको। अब उसने क्या काट के फेंका, भाई मैं क्या है कि डर लगता था मुझे, मुझे डर लगता था इसलिए ये कि तावीज़ मैंने पहना तो मुझको डर नहीं लगता। हालांकि इसका रीज़न उसका मानसिक है, अब उससे पेन लिया उसने, हो गया। अब बोल उसको क्या है कि इसकी वजह से मुझे अब डर नहीं लगता, ख्वाब बुरे ख्वाब नहीं आते। लेकिन हमने क्या किया कि उसको निकाला, अरे नहीं नहीं गलत है तो गलत है, ख्वाब वाब आए तो आए, उतार के फेंको। तो ये क्या हुआ, हमने क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को आप अगर किसी से लेंगे उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। अब हम बदल नहीं देते, हम क्या करते हैं कि आदमी के सामने हमने क्या किया, वो आदमी के सामने उसको रख दिया, सामने खाना रखा, भाई ये चीज़ें मत खा, ये खाएगा ना गोभी, ये जो इससे क्या पेट ख़राब हो जाता है, टमाटर खाएगा स्टोन हो जाएगा, मत खा इसको, सामने उसको हटा लिया, ये मत खा इससे ही हो जाता है, इससे खाएगा सर्दी हो जाएगी, ये ठंडी चीज़ें मत खा, फ्रूट व्रूट हमने सब निकाल लिया, वो कहेगा भाई क्या भूखे मरूँ क्या करूँ, कुछ तो रखो सामने। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी को कुछ खिलाने से बचाना है, एक आदमी शुगर का पेशेंट है, हमको बताना है यार इसको जो है मीठे से इसको परहेज है, तो भाई ये फल मीठा मत खा, तो हम क्या करें उसको ऐसी चीज़ लाके, भाई एक काम करो आप ये चीज़ खाओ, आप एक काम करो ये आम मत खाओ बहुत मीठा होता है, आपको शुगर है तो आप इसको मत खाओ, एक काम करो आप ये चीज़ें खाओ, दूसरा फल हम सामने उसके सामने रख दिया, अगर सैंपल खाओ उसके अंदर आपके लिए अच्छा है, तो हमने वो चीज़ सामने अब रखी तो कहेगा हाँ ठीक है बात नहीं, उसके बदले में उसको दिया। तो हम क्या करते हैं किसी चीज़ को उतार देते हैं तो उसके बदले में देते नहीं, तो हम जब उसको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो आपको क्या करना है कि आपको तुमको डर लगता है ना, देखो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो तो एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, तब तुझे मालूम है फरिश्ता क्या होता है, एक फरिश्ते की ताकत क्या होती है, एक फरिश्ते की ताकत इतनी होती है सारे शयातीन भी मिल जाए, शैतान इबलीस भी आ जाते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसको बताते हैं वैसा फरिश्ता आ जाता है तुम्हारी हिफाजत को, तब वो कहेगा हाँ आप ये पढ़ के सो, कुरान की बात आपने बताई, अल्लाह के रसूल सल्लम का रेफरेंस देके बताया, ये दुआ पढ़ के सोया करो, रात को अगर तुमको बुरा ख्वाब आ जाए तो तुम क्या करा करो कि फिर जो है अगर तुम उल्टी करवट पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, तीन बार थुत्कार दो, इधर करवट करके सो जाओ, आपको जो ख्वाब आएगा ही नहीं, आपका डर खत्म हो जाएगा। अब बदल बताएंगे तो फिर उसको वो लेगा। तो हमको असल क्या है कि बदल बताने की भी ज़रूरत होती है कि हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका बदल असल ये है, तो हम ये उसको देंगे तो फिर जो इंशाल्लाह वो उतार देगा। दूसरी कि अल्लाह की अजमत उसकी पाकी हम बयान करेंगे तो फिर वो उस चीज़ को लेगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो इस्लाह करने के तरीके भी होते हैं, तो हम उसके तरीके भी सीखें। एक किताब आती है इस्लाह का नबवी तरीका, एक किताब, और इसके ताल्लुक से बहुत कम किताबें लिखी गई,
और बयान भी कम आते हैं कि इस्लाह कैसे करें, लोगों की दावत कैसे दें। तो किताब आप पूरी पढ़ेंगे उसके अंदर बताया गया है, रेफरेंस के साथ में दिया गया है कि किसकी इस्लाह कैसे करनी है, बड़ा है तो कैसे, बच्चा है तो कैसे, बुजुर्ग है तो कैसे, गैर मुस्लिम है तो कैसे, सब तरह के औरत है तो कैसे, बीवी है तो कैसे, बाप है तो कैसे, बेटा है तो कैसे, और तमाम के तमाम उन्हें दलाइल के साथ में पेश किया गया। तो उसको आप पढ़ें इंशाल्लाह, उसको सीखें और फिर किसी का आप करेंगे तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने उसकी जो है तकदीर में हिदायत लिखी है तो फिर वो उसको हिदायत ज़रूर उसके अंदर मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन काम करते रहें, किसी से बिगाड़ ना करें इस बिना के ऊपर, अपना काम करते रहें इंशाल्लाह। अभी हिदायत का उसका वक्त नहीं आया, जब अल्लाह ने उसको हिदायत का वक्त लिया होगा तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें, हिदायत देने वाला अल्लाह, लेकिन काम करना हमारा काम है इंशाल्लाह।